बहुत बहुत ऊपर, बहुत आगे। नहीं, हर एक माँ अपने बच्चे के लिए यही चाहती है कि वो आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि बहुत आगे बढ़े, और मेरी ब्लेसिंग्स, पापा की ब्लेसिंग्स हमेशा इसके साथ है। 100 मिलियन व्यूज, बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसने बहुत अच्छा किया, और सबने बहुत अच्छा किया। बट मेरे तो सारे फेवरेट है, एक्चुअली ये भी फेवरेट है, सारे फेवरेट हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगा, जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, उतनी मेहनत मेरी मॉम भी करती हैं घर पे बैठ के प्रेयर करने में, एंड पूरे दिन प्रेयर करती हैं भाई, मैं इतना कह सकता हूँ। एंड पता नहीं मेरे को क्या, मेरे कर्म होंगे अच्छे कि मुझे ऐसी माँ मिली है, सीरियसली बोल रहा हूँ। और मैं इस चीज़ को पूरा जस्टिफाई करूँगा 2023 में भी, दिल से मेहनत करूँगा, दिल जान लगा दूँगा पूरा, और बस बस क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसकी, मतलब इसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो कौन जानता था मुझे, तो बिल्कुल कोई नहीं। इसकी वजह से मुझे भी दुनिया जानती है। I'm just gonna say thank you to everyone, to the entire Prateek fam. You guys are my family, and आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, मेरी मॉम को भी पता है, सब कुछ पता है, and thank you so much for all the love, all the support. Keep supporting, keep loving, and thank you so much. Thank you. Big Boss 16 जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, and मेरे सलमान भाई को मेरा बहुत बहुत प्यार, I love him, and may the best one win, and the better ones और आगे बढ़ जाएँ, सब अच्छे हैं। मेरा कोई ऐसा फेवरेट ऐसा नहीं है, मैं खुद अपना फेवरेट था, बस इतना ही है। अच्छा, इतनी मीडिया तुम्हारा इंटरव्यू लेती है। हाँ जी, आपको मीडिया जाना चाहिए बिग बॉस में। 100% सबको जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ सब, आप लोग जाते तो हो पहले एक बार मीडिया राउंड करने। 100% सब एकदम, सब में पोटेंशियल है, सब में पोटेंशियल है 100%। वो अच्छा कर रही है मुझे लगता है, क्योंकि वो उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, एंड बहुत बेबाक हैं, बहुत रियल हैं, एंड बहुत नेचुरल हैं, सो अच्छी बात है। शुक्रिया। एक्चुअली शोज व्हेन यू हियर द ट्रैक एंड व्हेन यू मेक देम, मेक इट दैट सोल ऑफ दैट व्हाटएवर यू डूइंग इनटू। सो आई थिंक दैट द बिगर, व्हेन इट केम, सेकंड अपॉर्चुनिटी केम टू मी फॉर इश्कबाजी, आई थिंक देर वॉज नो सेकेंड थाट। एंड वन थिंग डेफिनेटली फॉर नेहा, आई वुड वॉन्ट टू से the biggest success for Neha is definitely a Sakhiya song, which was globally so famous. A remake was made in a film track, so I wouldn't want to name it, so definitely that's the biggest success for her. So definitely SK Music work is going long way. 3.7 million subscribers, I just saw it when I was coming over here. Yay. So big round of applause. So 37 lakh followers, 37 lakh. So and 100 million to Dua Karo. When we started Dua Karo, jab humne Dua Karo release kiya tha, we were only at 4 lakh subscribers, and within 8 months hum 4 lakh se 37 lakh subscribers pe pahunche. Ek gana hamara 100 million touch kar raha hai. Most of the songs are now 20 million, 30 million, 15 million, उसके ऊपर मैं चल ही रहे। सो आई थिंक दिस होल जर्नी, और जो ये था कि जो विजन था हमारा टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट बुटीक रिकॉर्ड लेबल, वो मुझे लगता है मैंने, मेरी टीम ने, सनोवर पेरेकर जो मेरी CEO है, प्लस अदर टीम है, उन सब ने मिल के एनविजन किया था, वी आर एबल टू अचीव बेटर। और ये गाने का वीडियो कुणाल जी ने डायरेक्ट किया, और कुणाल जी बहुत अच्छे, पहले तो मैं बोलूँगा मैंने डायरेक्टर नहीं, मैंने बहुत अच्छा फोटोग्राफर मानता हूँ, इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक फोटोग्राफर, एंड देन इज़ इन टू डायरेक्शन, और इन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी उसकी, और वो जो कहानी थी ना, उस कहानी ने हमें बहुत एक्साइट किया, बिकॉज वो गाना सुन के वो कहानी आना, एंड जब जैसे आप दुआ करो को देखते हो ना, गाना सुन के वो कहानी कैसे चिपक के उसके साथ में चल रही, आई एम श्योर ये जब इश्कबाजी का हम ये वीडियो चलाएंगे, सो यू विल फाइंड द सेम। शहजाद जी से तो पूछो। मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ पूरी टीम को, बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैंने सुना है, और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे लगता है ये गाना कुछ कमाल करेगा, क्योंकि सिद्धार्थ सर बहुत म्यूज़िकल हैं और बहुत ही, मतलब बहुत ही सुलझे हुए वो आर्टिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि जब ये गाना आएगा प्रॉपरली, तो ये गाना कुछ अच्छा रिक्रिएट करेगा इंशाल्लाह मार्केट में। मेरा अभी रिसेंटली 2-3 मूवीज़ आई हैं, और जो मेरा मोस्ट पॉपुलर, मेरा जो फेवरेट है, एक मुलाकात फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल, एंड एक चुम्मा फ्रॉम द मूवी हाउसफुल 4, ये सॉन्ग है, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नया, तो इंशाल्लाह जल्दी कुछ करेंगे। तमाम थैंक यू सो मच। Actually, you should start first. Yes.
नर्वस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लव स्टोरी है, गाना बहुत ही प्यारा है और पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो बस अब रिज़ल्ट आप लोगों के हाथों में है कि आप लोगों को देखना है गाना और बताना है कि आपको गाना कैसा लगा, तो नर्वस नहीं है हम ज़्यादा, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं है. इनफैक्ट ये कहते हैं ना कि दिसंबर एंड होता है एक हाई नोट पे, हाई एनर्जी ऑक्टेन सॉन्ग्स के साथ. जनवरी हमने शुरू किया एक प्योर इश्कबाजी के साथ, एक सॉफ्ट सा रोमांटिक नंबर जिसमें दो अनजान इंसान किस तरह से प्यार में पड़ते हैं, उनकी कहानी कैसे हम ये कह सकते हैं कि जो दो लोग डेस्टाइंड होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, वो इस गाने के थ्रू हमने दर्शाया है. एंड आई फील पीपल आर गोना लव दिस सूदिंग ट्रैक एंड डेफिनेटली नॉट नर्वस, इट्स अबाउट द फीलिंग. आई थिंक हर गाना अपनी डेस्टिनी लेके आता है. दुआ करो डेफिनेटली इज़ अ बिग बिग नंबर एंड अ बिग सक्सेस पॉइंट फॉर एस के म्यूजिक वर्क्स एंड दिस गिव्स अ बिग मोटिवेशन टू द होल चैनल एज वेल एज ऑल द कंपोजर्स ऑन बोर्ड. तो डेफिनेटली इश्कबाजी के साथ एक्सपेक्टेशंस हाई रहेगी, पर एक्सपेक्टेशन के साथ हम ये ज़रूर कहते हैं कि लोगों को गाना पहले पसंद आना चाहिए, उनके दिल में बसना चाहिए, वहाँ से अगर वहाँ हम बस गए तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस फॉर अ सॉन्ग. जो मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं इट्स जस्ट अ नंबर. अगर आपको दिल से कोई गाना अच्छा लगा है तो कितने मिलियन आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता. एंड सिद्धार्थ जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे नेहा जी की मैं बात करूँ, जो पंजाब ऑडियंस है, जो पंजाबी फैंस है, उनकी तो इतने सारे फैंस हैं, बट हिंदी म्यूजिक में आई पर्सनली हार्डली सी हर, बट पंजाब के जितने भी गाने हैं इतने फेमस है, बट देन आपको देखना चाहिए, देन आपको देखना चाहिए. मैंने हिंदी गाने बहुत किए हैं, मैंने अभी रिसेंटली उस्ताद राहत फतेह अली खान जी के साथ हिंदी सॉन्ग किया है, तो आपको रिसर्च अच्छे से करनी चाहिए. मैंने बहुत गाने हिंदी किए हैं, मेरा स्टार्ट हिंदी से था. बट मेरा सवाल ये था कि किस तरह से आप लोग ने लाइक कास्ट, आप दोनों ने फ्रेश पेयर है, उसके बारे में आपने किस तरह से कास्ट की रिसर्च की है, क्या कुछ? वो रिसर्च ऐसे हुई कि जब गाना बना ना, तो गाना बहुत रोमांटिक था, सो वी वांटेड एक ऐसा पैर बने कि जिसके अंदर में वो रोमांटिसिज्म बाहर आए. सो जब मृणाल जी डायरेक्टर हैं, इन्होंने जब कहानी बनाई, सो देन वी सॉ मृणाल ने हमारे साथ में ऑलरेडी एक चेहरा नूर सा वीडियो करा हुआ था, सो ही एस के म्यूजिक वर्क से इज बीन एसोसिएटेड एक वीडियो हमारा चेहरा नूर सा. सो ही वॉज इन्हें हमने जब गाना सुनाया तो ही वॉज वेरी कीन ऑन डूइंग इट. और जब उसके बाद में मतलब अब इसके अपोजिट क्या कास्ट करना है, तो फिर हमारी चैनल प्रोड्यूसर है अलीसा, वो नेहा को बहुत अच्छे से जानती है और मैं इनको पंजाब की साइड में जो आप बोल रहे थे तो वहाँ पर बहुत फेमस हैं ये, तो हमने बोला कि चलो इनका पेयरिंग सोच के देखते हैं. और उनका जब पेयरिंग सोच के हमने इनको कुणाल जी को बताया, सो ही वॉज़ वेरी फर्म, हाँ मैं इसी प्रकार की कास्टिंग देख रहा था. तो ये दोनों कास्ट करना बहुत आसान था, बट इनके जो फादर को कास्ट करना पड़ा ना, तब हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ी. बट जैसे ही हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, फिर सडनली हमें ध्यान में आया कि हमने एक वीडियो किया था छम्मो, जहाँ कुरुशी हमारे साथ में थे, तो हमने बोला वाई शुड वी नॉट आस्क हिम, कि वहाँ तो चलो दारू पी ली, अब यहाँ खाली खाली कुर्सी पे बैठ के आप वीडियो देखेंगे, बिल्कुल वैसे की. नेहा, आपसे जानना चाहूँगा, तो एस के म्यूजिक की मैं बात करूँ, हर गाने की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपके गाने को लेके किस तरह के रिस्पॉन्स आप पर्सनली देख रहे हो, लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? मुझे लगता है कि गाना जितने भी फैंस हैं मेरे, उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि गाने में जो आप फील देखोगे कि जो प्यार का, जो ट्रू प्यार कैसे होता है, दो अनजान लोगों को कैसे प्यार हो सकता है, उस बारे में बताया, क्योंकि आज का जो प्यार हो गया है ना, बहुत इंटरनेट वाला प्यार हो गया है, तो इसमें आप इंटरनेट बिल्कुल कुछ इंटरनेट ही, इसमें रियल प्यार आप देखोगे, एक प्यारी सी लव स्टोरी है, और मुझे लगता है वाला प्यार, हाँ इसमें एक्चुअल प्यार आप देखोगे, और मुझे लगता है जितने भी लोग प्यार वाले लोग हैं उनको जरूर इससे कनेक्ट करेंगे, उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा. देखिए, जब दुआ करो रिलीज़ किया था तब भी हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इट विल रीच 100 मिलियन. डिपेंड, जैसे ही लोगों को जब अच्छा लगने लगता है, एंड आई होप, देखिए इस गाने में बहुत स्पेशल बात है इश्कबाजी, यू विल सी द वीडियो ऑल्सो, यू विल हियर द सॉन्ग, जब हम इसे रिलीज़ करेंगे, यू अगेन मैं वही बात कहता हूँ कि यू विल फाइंड कि जितने कंटेम्प्रेरी हमारे साथ में चैनल्स हैं या लेबल्स हैं, दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग दिस सॉन्ग. अब ये एक, इसके लिरिक्स कुमार जी ने जो लिखे हैं, हल्की हल्की इश्कबाजी हो रही है,
और बिल्कुल एक जो पुराने में गज़ल का जो फॉर्मेट होता था उसको मॉडर्न गज़ल और वैसा हमने ट्रीट किया, और शहजाद ने उसको उतना ही कंटेम्प्रेरी वे में गाया है, नॉट लाइक कि मैं मेहंदी हसन खान साहब को कॉपी कर लेके गा लेता हूँ, मैं गुलाम अली खान साहब जैसे गाता हूँ या जगजीत जी जैसे गाता हूँ। ही इज़ मेड इट कि आज के यूथ उसको साथ में कनेक्ट कर सके, एंड दैट वे वी डिड इट ऑल उसका ऑर्केस्ट्रेशन। सो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकलिटी और साउंड वाइज ये बहुत डिफरेंट अप्रोच होगा, और ये अगर इस जनरेशन को पसंद आता है तो इट विल ओपन न्यू डोर्स फॉर मैनी कंपोजर, मैनी लिरिक राइटर्स एंड मैनी सिंगर्स। एक्चुअली थर्ड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम वॉज सहरा नूर सर, एंड सेकेंड टाइम वी डिड अ सॉन्ग फॉर टेनिस प्रीमियर लीग विच ही ओन्स, सो उसका टाइटल ट्रैक मैंने किया है आजा मैदान में, and this is the third one which is releasing now. I think the third association itself says that when I'm associated third time, it of course says the comfort level as well as the different kind of genre which we are trying to explore. And one thing definitely, not because he's here I'm talking about it, the passion which he gives and to every soundtrack, the whole team which works towards it, it's commendable, and it actually